Hello everyone, I welcome you all in today's physics session. In this session, we are going to discuss about electric charge. In previous class, we also discussed about electric charge. In this class, we discussed in deep. I mean, electric charge ko hi study karenge, but usse deep mein study karenge, uske baare mein aur padhenge. So let's start. प्रीवियस क्लास में हमने ये तो देख लिया कि हर एक मैटर एटम से बना हुआ होता है और एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते. कुछ एटम न्यूट्रल होते हैं, कुछ एटम चार्ज होते हैं. न्यूट्रल मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड चार्ज मीन्स अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ये भी हम स्टडी कर चुके हैं. तो अब हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. कब एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है और कब एटम में नेगेटिव चार्ज होता है. हमने ये तो देख लिया प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन आर अ न्यूट्रॉन. सी, एन ऑब्जेक्ट विथ मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन इज सेड टू कैरी अ नेगेटिव चार्ज. अगर ऑब्जेक्ट में इफ़ एन ऑब्जेक्ट विथ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये स्टोन है, तो इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है बट नेगेटिव चार्ज आर मोर देन पॉजिटिव चार्ज. You know that positive charge means protons and negative charge means electron. Electrons are more than proton. यहाँ पे proton electron से कम है. Electron की numbering proton से ज़्यादा है. तो यहाँ पे इस stone पे कौन सा charge हुआ? Negative charge. Why? Because electrons are more as compared to proton. तो यहाँ पे electron ज़्यादा है इसलिए उस पर negative charge है. दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह किसी एटम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज होता है. अब हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कब होता है. एन ऑब्जेक्ट विथ मोर प्रोटॉन विथ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन है तो उसे हम कहेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो वहीं कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. सपोज ये कोई क्लॉथ है या पेपर है, कोई भी, हर एक मैटर तो एटम से ही बना हुआ है. तो एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है. तो कंसिडर कीजिए यहाँ पे बहुत प्रोटॉन है. कितने के हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस 4 ही. कंसिडर कीजिए सपोज. तो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज, आई मीन प्रोटॉन ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव. द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था स्टोन का, तो स्टोन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो स्टोन इज ए नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है. किसी ऑब्जेक्ट में अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है पॉजिटिव चार्ज. बट किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, देन इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज व्हाट इज अ नेगेटिवली चार्ज एटम एंड व्हाट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एटम. What is a negatively charged atom and what is a positively charged atom? This is the first question for homework. Next, the imbalance between positive p, positive means proton, and electrons. Electron को हम अब यहाँ से ऐसे denote करेंगे. E electron, negative charge है इसलिए E electron. In a charge object is proportional to very small. इनका proportional small होता है. The difference may be only 10 to the power 12 particles out of a total 10 to the power 25 particles. That is imbalance, means electrons and protons are imbalance. वो balance नहीं होते. अगर वो balance होंगे तो न्यूट्रल एटम कहलाएगा.
बट वो इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि वो चार्ज होते हैं। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड नेगेटिवली चार्ज एटम। सी, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव मोर प्रोटॉन्स, उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है। तो इस ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोटॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है, प्रोटॉन उसमें ज़्यादा है, तो इस पर हुआ पॉजिटिव चार्ज। द प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ओवरऑल चार्ज कितना है इस ऑब्जेक्ट पे, पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे है, क्योंकि प्रोटॉन उसमें इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो उसमें ओवरऑल चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज एटम। देखिए, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज मेजर इन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम कहते हैं कि करंट फ्लो होता है, एक्चुअली करंट फ्लो होता है मींस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं। तो करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज मेजर इन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना मतलब ही है करंट फ्लो होना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हम स्टडी कर चुके हैं, कूलॉम, जिसे कि हम सी से डिनोट करते हैं, कूलॉम, COULOMB। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर एंड फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है, नॉट अ डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं, तो एक स्केलर क्वांटिटी। लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, रिपेल एंड अट्रैक्ट, लाइक एंड अनलाइक चार्ज क्या होते हैं। लाइक चार्जेस मीन्स सेम चार्जेस, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस मीन्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट चार्जेस। ये हम डीप में स्टडी करेंगे। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका यूनिट कूलॉम में, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सी, इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, एक कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो एक कंजर्व क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बट इट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइक एनर्जी। एनर्जी को जिस तरह हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसी तरह चार्ज को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, बस। बट इसे हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से। इसे हम आने वाले वीडियो में, इसे हम डीप में स्टडी करेंगे कि कैसे चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ, चार्ज कैनॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। चार्ज ऑब्जेक्ट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। चार्ज ऑब्जेक्ट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। अब हमने देखा था न्यूट्रल मींस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड चार्ज ऑब्जेक्ट मींस अनइक्वल और इम्बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब वहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अनइक्वल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल। सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज. आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर शॉर्ट नोट बनानी है. सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक चार्ज.